नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नरेश कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल नरेश कुमार ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा आज का वीडियो पीएम किसान योजना को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रत्येक किसान के अकाउंट में हर 6 महीने में 2000 रुपये आते थे। लेकिन अभी 2022 में काफ़ी लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए। उसका कारण यह रहा है कि सरकार ने अब इस योजना में नया अपडेट यह किया है कि eKYC अनिवार्य कर दिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप eKYC घर बैठे अपने एंड्रॉइड फ़ोन से कुछ ही पलों में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं गूगल का यूज़ कर रहा हूँ। आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, यूसी ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको उस पर सर्च करना है पीएम किसान निधि। जैसे ही आप पीएम किसान निधि सर्च करोगे, आपके सामने जो पेज उभर कर आ रहा है, आपको पहली साइड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, आप पहुंच जाएंगे पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा फार्मर कॉर्नर पर। फार्मर कॉर्नर के जस्ट नीचे eKYC करके न्यू ऑप्शन आया हुआ है। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ये पेज आपसे आपके आधार नंबर मांगता है। आपको सिंपल से इसमें आपने आधार नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं अपने डाल रहा हूँ। आप सभी अपने अपने आधार कार्ड नंबर डालिएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च बार पे क्लिक करते हो, आपके सामने आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर मांगता है। आपको वही मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपके इस आधार कार्ड नंबर से लिंक्ड हैं। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड रजिस्टर्ड नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करना है। जैसा कि मैंने अपनी eKYC पहले ही कर ली है, तो मेरा लिखा हुआ आ रहा है eKYC ऑलरेडी डन ऑन PM किसान पोर्टल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। आपको नीचे आए हुए ऑप्शन पर वो OTP लगाना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो, तो नीचे आएगा आधार रजिस्ट्रेशन OTP। आपको ये OTP अपने ईमेल पर मिलेगा। जैसे ही वो OTP आप इस पर डालते हो, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको लिखा हुआ आएगा eKYC has been done successfully। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपकी eKYC सक्सेसफुली हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।